हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवर ऑफिशियल चैनल एचआर क्रिएशन। सो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट केयू के एग्ज़ाम को लेकर जो जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उनको बारे में एक बार आपको बताया जाएगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इन्होंने दिया है, देखिए कुछ स्टूडेंट्स को, हालांकि हमने जो कल वीडियो डाली थी उसके अंदर हर एक जो आपका टॉपिक था, चाहे वो क्वेश्चन पेपर को लेकर हो, आंसर शीट को लेकर हो, या ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर था, ठीक है, उसमें डिटेल के अंदर आप लोगों को सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो दी गई थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को फिर भी यहाँ पे डाउट थे, तो अब उनके जो डाउट है वो क्लियर करे जाएंगे। सबसे पहले इन्होंने जो बताया है वो रोल नंबर के बारे में बताया है कि आपके जो रोल नंबर है वो 7 सितंबर से क्या हो जाएगा, KUK.ac.in ऑफिशियल साइट जो यूनिवर्सिटी की है उसके ऊपर अपलोड कर दिए जाएंगे। वहाँ से आप लोग अपना रोल नंबर डाउनलोड कर सकते हो, चाहे वो प्राइवेट स्टूडेंट है या फिर जो भी रेगुलर स्टूडेंट है। हालांकि रेगुलर स्टूडेंट्स के जितने भी रोल नंबर हैं वो उनके कंसर्न डिपार्टमेंट में, उनके एचओडी के पास, चेयरपर्सन के पास उनको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, बट फिर भी आप लोग आपकी जो एनओसी है यानी कि नो ऑब्जेक्शन जो आपका सर्टिफिकेट है कि आपने सारे जो उनके अमाउंट है, कोई लाइब्रेरी की फ़ीस है, कोई फ़ाइन है, वो सारे अगर आपने क्लियर सबमिट करवा रखे है तो आप सीधा उसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट से, ठीक है। तो 7 सितंबर तक, उससे पहले तो किसी का भी रोल नंबर नहीं है, बट 7 सितंबर के बाद आप लोग अपना रोल नंबर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सेकंड इन्होंने कहा, देखिए अब कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि घर बैठ के पेपर देना है तो ये होगा वो होगा, जो क्वेश्चन पेपर है आपको वो पूरे टाइम के ऊपर दिया जाएगा और पूरे टाइम पीरियड के जो अलॉट हुआ है आपको 3 आवर का हर एक एग्ज़ाम के लिए, तो उसी ड्यूरेशन के अंदर आपको सारा काम करना है, पेपर डाउनलोड भी करना है, पेपर आपको जिस डेट में आपका एग्ज़ाम है उसी डेट के अंदर 10 बजे आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा आपके ईमेल एड्रेस के थ्रू। पूरे 10 बजे आपको पेपर मिलेगा, आपको डाउनलोड करना है, राइट डाउन करना है और उसकी फ़ोटो की PDF बना के आपको वो सेंड कर देनी है, जो ईमेल एड्रेस आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा उसको सेंड करने के लिए, ठीक है। तो यानी कि 10 बजे ही आपको वो पूरा क्वेश्चन पेपर है जो आपके सामने होगा, उससे पहले आपको क्वेश्चन पेपर बिल्कुल भी शो नहीं होगा किसी भी ईमेल में। अगर किसी के पास ऐसी कोई ईमेल आती है तो प्लीज़ उसको आगे फॉरवर्ड ना करो, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों को भी पता है कि इस ड्यूरेशन के अंदर जो फेक है वो ज़्यादा चल रहा है सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है कि आपको जो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, आंसर लिखने और आंसर को स्कैन करने के लिए पूरे 3 घंटे का समय दिया गया। देखिए वही बात है कि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना, उसको राइट डाउन करना, आपके आंसर लिखना, आंसरों की PDF बनाना, उनको स्कैन करना, सारा ये जो काम है ये आपको 3 आवर के अंदर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो 3 आवर से ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे टाइम पीरियड बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास कि इस दौरान दिए गए क्वेश्चन पेपर में सिर्फ आधे क्वेश्चन यानी कि 50% ही अटैम्प्ट करने, आपको जितने भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में दिए जाएंगे उनमें से आपको केवल 50% जो हिस्सा है क्वेश्चन पेपर का वो आपको लिखना है, उससे ज़्यादा लिखने का यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं होगा। उन्होंने 50% का क्राइटेरिया रखा है कि आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उनका 50% आपको सीरियल वाइज अपनी आंसर शीट के ऊपर लिखना है। नेक्स्ट है हमारे पास कि शीट खरीदते समय हमेशा ध्यान रखें कि शीट के आगे पीछे प्रिंटेड न हो। देखिए अब कुछ बच्चे ऐसे काउंट कर जाते हैं कि शीट का पेज का पहला एक, उसके बाद उसी के पीछे 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ऐसा नहीं है। आपको ऐसी शीट लेनी है जिनके पीछे आगे पीछे प्रिंटिंग ना हो, सिर्फ एक साइड जो होगी वो एक पेज काउंट होगा, दूसरा जो नेक्स्ट पेज है वो 2 नंबर काउंट होगा, ऐसे ही 3, 4, 5 एंड सो, ठीक है। तो यानी कि सीट खरीदते समय आपको ध्यान रहे कि आगे पीछे दोनों तरफ प्रिंटिंग न हो अथवा स्कैन करते टाइम यानी कि आपको कोई भी परेशानी न आए। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक सब्जेक्ट के लिए आपको 20 से अधिक शीट अलाउड नहीं है। यूनिवर्सिटी ने स्पेशल मेंशन किया हुआ है कि हर एक क्वेश्चन पेपर जो आपका होगा उसके अंदर आपको जो मैक्सिमम है वो 20 सीट ही फिल करनी है। इवन उन्होंने ये भी बोला है कि आपको सिर्फ 50% क्वेश्चन का ही आंसर देना है, ठीक है। तो 50% में 20 सीटें एनएफ हो जाएगी, आप लोगों को फालतू उसका साथ कोई और जरूरत करने की नहीं है कि आप 20 से ज़्यादा पेज भर दो और फिर यूनिवर्सिटी आपको अनफेयर के अंदर आपको काउंट कर ले, ठीक है। तो पेज दोनों तरफ के 2 पेज काउंट होंगे, अगर किसी के मान लो चलो किसी ने कर भी दिया है दोनों साइड वाली शीट वो ले आया मार्केट से, सो वो दोनों तरफ अगर कर भी रहा है तो वो 2 पेज काउंट होंगे बच्चे, ना कि 1 पेज, ठीक है। तो यानी कि आपको टोटल तो
10 सीटें भरनी है अगर दोनों साइड है, और अगर सिंगल साइड है तो आपको 20 पेज मैक्सिमम भरने हैं, जिनके अंदर आपको 50% जो सिलेबस होगा आपका वो कंप्लीट करना है। उसके बाद शीट के पहले पेज पर पूछी गई जो सारी डिटेल थी, यानी कि जो कल हमने बताए थे 8 पॉइंट आपके थे, वो आपने साफ साफ लिखने हैं, चाहे वो आपका रोल नंबर है, चाहे वो आपका नाम है, आपकी क्लास है, आपका सेमेस्टर है, ठीक है, आपका क्वेश्चन पेपर का कोड है, ये जो सारी डिटेल थी क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपको साफ साफ अच्छे अक्षरों में लिखना है, क्योंकि यहीं से आपका सारा डाटा उठाया जाएगा, इसी के बेस के ऊपर आपको जो मार्क्स है वो अलॉट किए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास शीट, आंसर शीट जो है हर पेज के ऊपर रोल नंबर और सिग्नेचर पहले ही करके रखें। देखिए अगर आपको टाइम सेविंग करनी है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि 3 घंटे के लिए तो बहुत कम है, क्योंकि उनमें पेपर भी करना है, उनमें लिखना भी है, पीडीएफ भी बनानी है, उनको भेजनी भी है, फाइनल सबमिशन होना है। सो अगर आप किसी भी स्टूडेंट को ये लगता है कि ये टाइम पीरियड उसके लिए कम है, तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप पहले ही जो आंसर शीट होगी जिसके ऊपर आपको आंसर लिखने हैं, वो आंसर शीट आप मार्केट से पहले ही ले आओ, उसके ऊपर अपनी जो नॉर्मल डिटेल है लाइक नाम हो गया, क्लास होगी, एग्ज़ाम किस चीज़ का, मान लो आपको डेट वाइज देने हैं, आपका सेमेस्टर हो गया, ये सारी चीज़ें बच्चे आप लोग ऑलरेडी फिल करके रखो। प्लस हर शीट के ऊपर उन्होंने मेंशन किया है कि आपको हर शीट के ऊपर अपना जो रोल नंबर है और अपने जो सिग्नेचर है वो ज़रूर करने हैं। अगर ऐसी कोई भी शीट 20 पेज में से आपको ऐसी कोई भी शीट रह जाती है जिसके ऊपर कोई सिग्नेचर या आपके रोल नंबर नहीं हुआ, तो वो आपकी काउंट नहीं होगी टोटल के अंदर। तो पहले ही आप टाइम सेविंग करना चाहो तो ऐसे ही शीट ले आओ, उनके ऊपर पहले ही सारा जो डाटा है वो अपना रोल नंबर, नाम, क्लास, सेमेस्टर, ये सब आप लिख के रख लीजिए। ब्लू एंड ब्लैक पेन सही इंट्रक्शन है ये हमारे लिए, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत सारी गलतियां कर देते हैं एग्जाम्स करने में जिनको पता नहीं होता। तो इस बार तो वैसे ही COVID-19 की वजह से काफ़ी सारी दिक्कत सबको आ रही है, तो वो आपको सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन का ही यहाँ पे यूज़ करना है। अगर आप इसके अलावा कोई और फालतू पेन या कोई जेल पेन या कुछ भी और यूज़ करते हो तो वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि ब्लू एंड ब्लैक पेन यूज़, ठीक है। नेक्स्ट है आपको आपके संबंधित कॉलेज या संस्थान आपको लॉगिन आईडी डिटेल या आपकी ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करवाया जाएगा, कॉलेज संस्थान द्वारा वेबसाइट पोर्टल की सुविधा अनुसार बदला जा सकता है। आपका जो कॉलेज है जिस इंस्टीट्यूट में, जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटीज में मान लो आपको, सो वहाँ आपका जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो आपसे वेरीफाई करवाया जाएगा, आपका जो यानी कि ईमेल एड्रेस है वो आपसे वेरीफाई करवाया जाएगा, ताकि सही टाइम के ऊपर आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो प्रोवाइड करवा दिया जाए। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को, देखिए ये थे अपने मेन पॉइंट जो हमें KU के एग्जामिनेशन के अंदर हेल्प करेंगे कि हमें इन चीज़ों के अंदर गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो ये मेन इंस्ट्रक्शन थी, इन बातों का आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है और उसी के अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम है वो करने हैं। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं अगर उनको थोड़ा सा भी अभी भी डाउट होता है किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक नंबर दूंगा, उसके ऊपर आप लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो किसी भी टाइम, आपको KUK से लेकर कोई भी अगर परेशानी कोई दिक्कत है। सो नंबर है 9896152102, 9896152102, या फिर आप लोग कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो 7400838800, 7400838800। इन दोनों नंबर के ऊपर आप लोगों को अगर KU के एग्ज़ाम से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड मेरिट जो लिस्ट लगेगी, KU के एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल होगा, जो पेपर होगा, हर एक डिटेल आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी पर्सनली अगर किसी को कोई परेशानी है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग PDF कैसे आप लोगों को बनानी है, कैसे उसे अपलोड करना है, जल्दी ही आप लोगों के बीच में नेक्स्ट वीडियो लेके हम लोग हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छी से तैयारी करें, अच्छे से एग्जाम दें। धन्यवाद।